एवरीवन और आज हम आपको लेके आए हैं द इंडियन चूल्हा में। जी हाँ, नाम सुन के ही आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पर आपको घर जैसा खाना मिलने वाला है। और इस रेस्टोरेंट की अगर मैं खास बात कहूँ कि यहाँ की जो डिश है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, एम्बियंस भी एकदम सा परफेक्ट है। अगर आप एंजॉय करेंगे तो आपको बहुत अच्छा व्यू मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर मैं डिश की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको साउथ इंडियन, उसके बाद नॉर्थ इंडियन, और स्पेशल अगर मैं डिश की बात करूँ यहाँ की, तो यहाँ की स्पेशल डिश है डोसा, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। ग्रैंड ओपनिंग हुई है आज ही, जो कि फुलवाड़ी बाजार में। अगर आप फुलवाड़ी आते हैं तो फुलवाड़ी के जस्ट ऑपोजिट में, फुलवाड़ी अगर आते हैं तो फुलवाड़ी में आपको ये द इंडियन चूल्हा आपको दिख जाएगा, जो कि बांग्लादेश मोड़ के जस्ट ऑपोजिट में ही द इंडियन चूल्हा बना हुआ है। तो आप इस चीज को मिस ना करते हुए आप अपनी, अगर आपको इस रेस्टोरेंट में आना है, ट्राई करना है, तो आप कर सकते हैं। और एक और चीज है कि अगर आप बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या फिर किसी पार्टी या फिर एनिवर्सरी, कुछ भी आप करना चाहते हैं और अपनी लोकेशन में अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, तो इंडियन चूल्हा में आप एक बार जरूर आकर ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अंदर की तरफ चलेंगे के बाद यहाँ का पूरा एम्बियंस आपको दिखाएंगे। चलिए, इंडियन चूल्हा के जो ओनर है मिस्टर भावेश जैन, वो हमारे साथ मौजूद है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि फुलवाड़ी में एक ऐसा रेस्टोरेंट नहीं था, एक अच्छा सा रेस्टोरेंट नहीं था जो लोग यहाँ पर आकर कुछ भी ट्राई करना हो कर सकते, लेकिन मिस्टर भावेश जैन ने एक अच्छा सा रेस्टोरेंट फुलवाड़ी शहर वासियों के लिए खोल रखा है। जी, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप। थैंक यू। ओके, तो क्या कहना चाहेंगे, फुलवाड़ी में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट यू कहते हैं कि द इंडियन चूल्हा वो ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे एक इतना दिन से प्लान कर रहा था, कुछ था नहीं बोल के, तो इन रेस्टोरेंट इंडियन चूल्हा एक रेस्टोरेंट, ये लाइन में फुलवाड़ी वाला एरिया में एक लाइन में कोई भी एक रेस्टोरेंट नहीं था, तो बोल के हम लोग सोचा कि ये जगह अच्छा रहेगा। तो बोल के हम लोग दोनों भाई ने, मैं और पीयूष जैन, पीयूष भाई मेरे बड़े भैया है, तो हम लोग दोनों जन मिलके ये शुरू कर रहे हैं। फुलवाड़ी ही क्यों आपने चूज करा? यहाँ पे एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, यहाँ पे एक भी कुछ, एक चाय पीने का जगह नहीं है यहाँ से जलपाईगुड़ी तक, तो एक हमने सोचा कि ये, और महाराजा हॉस्पिटल है आसपास में, पैरामाउंट हॉस्पिटल है, उन लोग का गेस्ट लोग के लिए भी, जैसे पेशेंट लोग के लिए उधर है, लेकिन गेस्ट के लिए कोई अच्छा खाने का नहीं है, तो हम लोग उस हिसाब से सोचा कि एक बार ट्रायल करते हैं, फिर आगे देखते हैं कैसे। इंडियन चूल्हा की अगर मैं खास बात कहूँ तो उसकी खास बात क्या है, क्या स्पेशल डिश है, मेन्यू भी जानेंगे? वो सरप्राइज है। मतलब लोग यहाँ पर आएंगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि यहाँ पे क्या क्या आपको मिलने वाला है। ओके, फिर भी थोड़ा बहुत डिटेल में बता दें कि यहाँ पे साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, इंडियन, चाइनीज सब चीज रखेंगे, थाली भी अवेलेबल है और सब, और होम डिलीवरी भी हम लोग कर देंगे खुद से, जोमेटो स्विगी भी रखेंगे, लेकिन अवेलेबल जो है वो उस हिसाब से वैसे रख लेंगे। अगर लोग यहाँ पे आते हैं, आप अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना हो या फिर एनिवर्सरी कुछ भी करना हो, तो वो भी आकर यहाँ पर कर सकते हैं। तो कितने सिटिंग अरेंजमेंट्स के साथ यहाँ पर? ऐसे पूरा रेस्टोरेंट 48 सिटिंग है और 10 जन के पीडीआर एरिया है, कोई प्राइवेट डाइनिंग एरिया, उसमें भी कुछ जैसे किटी पार्टी हो गए 10 जन शॉर्ट रोक के, और 6 महीने बाद हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं ऊपर पे पार्टी हॉल वैसा कुछ करने, वो 6 महीना बाद होगा। अगर डेकोरेशन की मैं बात करूँ तो डेकोरेशन क्या आपकी तरफ से हो? डेकोरेशन सब हम लोग कर देंगे, वो जो भी कस्टमर जैसे आएंगे, जिनको जैसे भी वो चाहेंगे, वो हम लोग बोलेंगे हम लोग कर देंगे, वो लोग जैसे कहें कंफर्टेबली के हिसाब से हम लोग कर लेंगे। ओके, सामने दिवाली भी आने वाली है, धनतेरस, छठ पूजा, उसके लिए क्या कुछ स्पेशल आपने सोच रखा है? तो वो जो मेन्यू आप वैसे जैसे चलते रहे, अब जो आइडियाज आते रहे नए नए थीम के साथ, उस हिसाब से वैसे कर लेंगे। सो व्हाट यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फुलवाड़ी एरिया? कि सब लोग आए एक बार विजिट करें। ओके, तो आप एड्रेस एक बार यहाँ का बता दीजिए ताकि लोग जल्द से जल्द यहाँ पर आएं। एड्रेस है यहाँ का महाराजा अग्रेशन से थोड़ा सा आगे आके, ऑपोजिट बांग्लादेश मोड़, फर्स्ट फ्लोर, द इंडियन चूल्हा बाय यूनिक। के जो दूसरे पार्टनर है मिस्टर पीयूष जैन, वो भी हमारे साथ मौजूद है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि उनका खुद का द इंडियन चूल्हा खुल चुका है, तो उन्हें क्या फील हो रहा है? सर, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। क्या कहना चाहेंगे फिलहाल? आई एम वेरी हैप्पी। या आप आइए, खाना खाइए,
हमारे साथ आप ढाबा का एक्सपीरियंस लीजिए। सपना यही है कि ढाबा आपको अच्छे ढाबा का एक्सपीरियंस दे विद आप फैमिली के साथ, जहां आप आके फैमिली के साथ बैठ के फ्रेश खाना खा सके, विद लेस ग्रेवी एंड फ्रेश फूड। दैट्स इट। ओके, आपके भाई से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि कुछ डिश जो है, जो फूड है वो सरप्राइज है। आप जरा बताइए कि क्या स्पेशल यहाँ पे मिलने वाला है। हर डिपार्टमेंट में स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ इंडियन एंड एंडिंग विद डेजर्ट्स, हर डिपार्टमेंट में देयर इज समथिंग स्पेशल वी हैव क्रिएटेड। मी विद माय शेफ्स एंड ऑल वी हैव वर्कड ऑन इट फॉर अराउंड अबाउट 10 to 15 डेज एंड वी हैव टेस्टेड फूड। देयर वाज अ फूड ट्रायल गोइंग ऑन फॉर अराउंड अबाउट 8 to 10 डेज for whole of the people. We have put ads for that and we have put and trial and we have created something very special. So aap aaiye, aap hamare south indian se leke aap hamare desert tak kuch bhi try kariye, agar aapko sahi mein aap nirash hoke nahi jaoge। जरूर कहना चाहूंगी कि यहाँ का एम्बियंस बहुत ज्यादा अमेजिंग। क्या सोच के आपने यहाँ का एम्बियंस को ऐसा फिक्स करा? एम्बियंस मैंने ये सोचा कि सिलीगुड़ी में जितना मैं देखा हूँ, फुल फैमिली फैमिली जाके एक ढाबा का फील नहीं लेते, वो वाली फील वाली जगह नहीं है। तो हम मैंने ये सोचा एक अच्छे अच्छा एक एम्बियंस देते हैं जहाँ पे आपको फ्रेश फूड मिले एंड आपको घर नहीं रेस्टोरेंट जैसा खाना फील हो, पर आपको लेस ऑयल एंड ऑल एवरीथिंग के साथ। हाँ, लाइक वी आर प्रिपेयरिंग फूड इन हनी। हाँ, तो प्रॉपर विद वेरी लेस यूज ऑफ शुगर इन आर किचन। तो एंड वी आर नॉट यूजिंग एनी टैप वाटर एंड ऑल, वी आर यूजिंग आरओ वाटर फॉर आर फूड प्रिपरेशन एंड ऑल। सो हेल्दी फूड, गुड फूड, दैट्स इट। दिवाली को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? दिवाली में स्पेशल कुछ डिश या फिर? दिवाली में अभी तो लेट्स वी विल स्टार्ट विद समथिंग स्वीट एंड जो होता है हलवा और आके ट्राई करिए दाल का हलवा, गाजर का हलवा। जरूर कहना चाहूंगी कि लाइसेशन के तो जितने भी लोग जुड़े हैं उन्हें आप स्वीट मैसेज दे दे, लाइक क्या इनवाइट। प्लीज डू कम एंड प्लीज डू शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस एंड आप निराश होकर नहीं जाओगे। दैट्स इट। क्योंकि यहाँ का जो एम्बियंस है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। आपको एक बार आएंगे तो आपको यहाँ पर बार बार आने का मन करेगा। थैंक यू। जो ओनर है मिस्टर भावेश जैन, उनके जो फैमिली मेंबर है वो भी हमारे साथ मौजूद है, मिस्टर बाबूलाल जैन। उनसे भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते हैं कि उन्हें क्या फील हो रहा है यहाँ पर ग्रैंड ओपनिंग होने के बाद। सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपके फैमिली मेंबर ने भी यहाँ पर एक नया रेस्टोरेंट खोल रखा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? थैंक यू। हम लोगों का ये जो फैमिली बिजनेस ही है, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट ये स्वीट लाइन में 1989 में गैंगटॉक में फर्स्ट आउटलेट खोले। अभी हम लोगों का नेपाल, शिलोंग, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी करके टोटल स्वीट का और रेस्टोरेंट करके 13-14 आउटलेट्स है। तो इस लाइन का हम लोगों का काफ़ी फैमिली में एक्सपीरियंस है। तो बच्चों को काम लगाना था इसलिए ये लोग को इसी लाइन में रुचि था और ये फुलवाड़ी ये लोकेशन अपने को पसंद आया इसलिए सेलेक्ट किया। कारण कि मैं इस एरिया में पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ, रेगुलर आता जाता हूँ और जलपाईगुड़ी से लेके जलपाई मोड़ तक कहीं भी अच्छा प्योर वेजिटेशन खाने का जगह नहीं है। हमको भी खोज के सोनार बंगाल टूरिस्ट मोटर रिसिन इससे अच्छे कोई जगह नहीं, प्योर वेज का एक भी नहीं है। तो हम लोग सोचे कि आजकल बहुत लोगों को प्योर वेज पर खोजी करके आते हैं तो, और एक्सक्लूसिव एक भी नहीं है लोकेशन। और इस इधर इस आसपास में उत्तर कन्या आपका महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, देसुन हॉस्पिटल, पैरामाउंट बन रहा है, मलय चक्रीकुता हॉस्पिटल, तो इस एरिया ग्रो कर रहा है। तो हम लोग आगे का एक्सपेक्टेशन सोच के इस आउटलेट को किए हैं कि फ्यूचर अच्छा होगा, बच्चे अच्छे काम करेंगे, इसी आशा के साथ में इसको खोले हैं। और हर चीज़ यहाँ एक्सक्लूसिव मिलेगा, हर फैसिलिटी मिलेगा, होम डिलीवरी का रहेगा, स्विगी जोमेटो के थ्रू डिलीवरी होगा, ये सारी चीज़ की व्यवस्था यहाँ से रहेगी। और क्वालिटी हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्वालिटी एक नंबर, क्वालिटी का हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी में है, हर क्वालिटी एक नंबर का मिलेगा और फास्ट फूड एवरीथिंग यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। ओके, थैंक यू। ओके, दिवाली आ रही है, दिवाली को लेकर मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को एक स्वीट सा मैसेज दे दें। दिवाली में
दर्शकों को बोलना चाहेंगे ये एक नया आउटलेट एक्सक्लूसिव खुला है और प्योर वेज है, और एक बार सेवा का मौका दें, आए दिवाली का आनंद दें, हर आइटम का लुत्फ लें। इसी भावना के साथ सब गेस्ट को मैं यहाँ पर आने के लिए उत्साह देता हूँ और ज़रूर एक बार विजिट करें। थैंक यू। इंडियन चूल्हा के सभी मेंबर्स हमारे साथ मौजूद है, चलिए उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। सबसे पहले आप सभी को कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। क्या कहेंगे फिलहाल ब्रांड ओपनिंग होने के बाद? यही कहूँगा हम लोग अच्छा सेवा कर सके, पब्लिक का सेटिस्फाई कर सके, और जो भी प्योर वेज इस एरिया में रेस्टोरेंट नहीं है तो हम लोग चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा सर्विस करें और पब्लिक को सेटिस्फाई करें। खास बात अगर क्या है जो लोग यहाँ पर आकर डिश को ट्राई करें? देखिए नॉन वेज तो सभी आजकल प्राय घर में बनता ही है। आजकल लोगों को क्या है कि भेज का खाने का बहुत शौक है, प्योर भेज खाने के लिए बहुत लोग शौक रखते हैं, और इस एरिया में देखा जाए कि कोई भी एक भेज रेस्टोरेंट अच्छा बढ़िया है नहीं। यहाँ पर महाराजा हॉस्पिटल हो गया, चैंका हॉस्पिटल भी आ रहा है, काफ़ी वेयर हाउस भी है, और छोटा मोटा इंडस्ट्री भी काफ़ी आता है, लोग जमीन भी यहाँ पर काफ़ी ले रखे हैं, तो लोगों का यहाँ का फ्लो अच्छा है, आने जाने का फ्लो बहुत अच्छा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोगों को इस एरिया में कोई भी होटल है, आज SF रोड से सुबह रोड जाते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, और SF रोड से अपने बरदान रोड से जो आए वो 7-8 मिनट में यहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ का पब्लिक के लिए अच्छा से अच्छा हम लोग सेवा कर सकते हैं, प्योर वेज रेस्टोरेंट, इसीलिए हम लोगों ने किया। ओके, मतलब सक्सेसफुल होने वाला है यहाँ पे दिस दिवाली, तो इस दिवाली को लेके अगर लाइव सेशन के थ्रू जितने भी दर्शक जुड़े हैं आप उन सभी को आप क्या कहना चाहेंगे? आप सभी मैं चाहती हूँ कि एक साथ हैप्पी दिवाली टू ऑल, सेलिब्रेट दिवाली दिस दिवाली विद अस एट इंडियन चूल्हा एंड एंजॉय हेल्दी फूड, hygienic food and value for money. So that's we want very very happy Diwali. Happy Diwali, happy Diwali. All of you. Happy Diwali. We invite everyone to come join us at the Indian Chula. So Unique is already a brand, so humne ek naya step liya hai to grow with it, grow along with Unique. Aap yahan pe aaoge, aapko बहुत अच्छा घर के जैसा नॉर्थ इंडियन खाना यहाँ का, मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा सिंस अभी कुछ दिनों से ट्रायल चल रहा था तो यहाँ का साउथ इंडियन इज़ वेरी गुड, सो एवरीवन शुड कम एंड ट्राई साउथ इंडियन फूड, स्पेशली डोसा। हमारे पास 4-5 स्पेशल वैरायटी के डोसे भी है, तो आई जस्ट इन्वाइट यू गेट अलॉन्ग विद योर फैमिली एंड कम हियर एंड एन्जॉय विद अस। थैंक यू, हैप्पी दिवाली टू ऑल। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये हम लोगों का जो ये यूनिट है ये आगे बढ़े, पब्लिक का पूरा सहयोग मिले और पब्लिक को अच्छा से अच्छा सर्विस देने का कोशिश करेंगे, फूड क्वालिटी बहुत अच्छा देंगे, और इसी के साथ सबको दिवाली का हार्दिक बधाई भी देते हैं और दिवाली हम लोगों के साथ एंजॉय करें, यही हम लोगों की ख्वाहिश है। हमें तो गर्व फीलिंग हो रहा है, खुद को बहुत अच्छा लग रहा है कि फुलवाड़ी में भेज काज मारवाड़ी संप्रदाय का एक रेस्टोरेंट आया हुआ है फुलवाड़ी में। धीरे धीरे सिलीगुड़ी बढ़ रहा है फुलवाड़ी की तरफ, जब ये संप्रदाय आएंगे तो धीरे धीरे सारे फुलवाड़ी डेवलप होगा, आगे फुलवाड़ी चेंज होगा। हम जितना भी एरिया का लोग बाग है सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ आए, यहाँ का रेस्टोरेंट का जो आनंद है वो उपभोग करें, साथ में अगर हम लोग नहीं आएंगे तो रेस्टोरेंट चलेगा कैसे, इसलिए एरिया का लोग बाग है सबसे रिक्वेस्ट है कि आए और इसको चलाए। अभी तो शुरू किया है लेकिन बहुत बढ़िया है, जो भी भेज होगा वो बहुत बढ़िया ही होगा। द इंडियन चूल्हा अब फुलवाड़ी में भी, जी हाँ फुलवाड़ी अगर आप आते हैं तो फुलवाड़ी के बांग्लादेश मोड़ के जस्ट ऑपोजिट में ही द इंडियन चूल्हा की ग्रैंड ओपनिंग हो चुकी है। तो आप अपने एरिया में एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं तो आप कहीं और नहीं आकर इस द इंडियन चूल्हा में आकर आप ट्राई करें, यकीन मानिए आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। यहाँ का एम्बियंस, यहाँ का फूड, यहाँ की जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है आई मस्ट से। और हाँ, साथ ही साथ ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है, मैं बार बार आपको यही बता रही हूँ कि ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है, तो आप एक बार यहाँ पर आकर आपको जो भी ट्राई करना है आप कर सकते हैं। एड्रेस फिर से बता दो कि ये फुलवाड़ी में सिचुएटेड है, अगर आप फुलवाड़ी आते हैं तो बांग्लादेश मोड़ के जस्ट ऑपोजिट में ही ये द इंडियन चूल्हा सिचुएटेड है, फर्स्ट फ्लोर में। जी हाँ, फर्स्ट फ्लोर में ही द इंडियन चूल्हा सिचुएटेड है। तो आप अपनी बर्थडे प्लानिंग कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं तो आप यहाँ पर आकर कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।
Thank you.